कैसे हैं सभी लोग? अच्छे। इधर के लोग कैसे हैं? अच्छे। तो स्टोरी टाइम हो चुका है, कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है? सब लोग? यस। इधर से भी? सभी लोग सुनना चाहते हैं? यस। तो आज भी एक बहुत मजेदार स्टोरी है, बहुत मजेदार कहानी है, एक कौवा और गिलहरी की। किसकी? सब लोग सुनना चाहते हैं? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक बार की बात है, एक बड़ा सा नीम का पेड़ था और उस नीम के पेड़ पर एक कौवा रहता था और एक गिलहरी रहती थी, ठीक है। और बड़े से पेड़ की खूब ठंडी ठंडी, जो पेड़ था वो किस चीज का पेड़ था? नीम का पेड़ था। किसका पेड़ था? नीम का। आप लोगों ने देखा है ना नीम का पेड़? यस। ये बहुत ठंडी ठंडी छाया होती है ना। हाँ, तो उस पेड़ पे एक कौवा और एक गिलहरी रहते थे। जो कौवा था उसका नाम था कालू कौवा और जो गिलहरी थी उसका नाम था नीलू गिलहरी। क्या नाम था? जो कालू कौवा था वो बड़ा ही आलसी था, एक नंबर का आलसी, उसका कुछ काम नहीं, बस उसको खाना और सोना, खाना और सोता रहता, सोता रहता, बस दो ही काम। काम और कोई काम करने में उसका मन ही नहीं लगता था, बहुत आलसी। और जो गिलहरी थी वो बेचारी बहुत मेहनती, नीलू गिलहरी दिन भर काम करती रहती थी, अपना काम समय से सब निपटाती थी और अच्छे से काम रहती थी। और जो गिलहरी और कौवा थे वो दोनों क्या थे? दोस्त थे। तो मिलना चाहोगे ना कौवे और गिलहरी से? मिलना चाहते हो? ये रहा कालू कौवा। कौन है ये? देखो कितना काला काला है ना, देखो लग रहा है ना कितना आलसी है, कमंडी जैसा लग रहा है ना। और ये है हमारी नीलू गिलहरी। क्या नाम है इसका? नीलू गिलहरी। देखो कितनी अच्छी लग रही है नीलू गिलहरी, है ना, है ना, प्यारी है ना। हाँ, तो नीलू गिलहरी और कालू कौवे का छोटा सा खेत था। क्या था? तो जो नीलू गिलहरी थी उसने कालू से कहा, कालू चलो अब अपने खेती का टाइम हो गया है और अपने खेत को जोतते हैं। खेती करने से पहले क्या करते, खेत को जोता जाता है ना। तो उसने कालू कौवे से क्या कहा, चलो चलो कालू जल्दी से चलो और अपनी खेत की जुताई का टाइम हो गया है, समय हो गया है और हमें अपने खेत को जोतना चाहिए। तो ये तो था एक नंबर का आलसी। इसने क्या कहा? इसने बोला गिलहरी से, अरे अभी क्या काम करेंगे, बाद में चलेंगे। तो उसने कहा, नहीं नहीं फिर देर हो जाएगी। तो ये क्या बोलता है, ये गिलहरी से बोलता है, तुम चलो मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी लाल पे सोता हूँ। क्या बोला ये? तुम चलो मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी लाल पे सोता हूँ। बस यही गाना गाने लगता जब भी गिलहरी इससे कुछ कहती। तो फिर गिलहरी क्या करती बेचारी, चली गई चुपचाप खेत पे और ये लेट के पेड़ पे आराम से सो गया। और ये खेत पे गई और बेचारी ने पूरा खेत जोता। सुबह से शाम हो गई और कालू का इंतजार करती रही, लेकिन कालू आया नहीं, नहीं आया। इसने बेचारी ने अपना खेत भी जोत दिया और इस कालू का भी खेत जोत दिया। और फिर शाम को थककर घर पे आ गई। और फिर अगले दिन, दो तीन दिन बाद जब खेत जोत दिया जाता है तो क्या करा जाता है, उसमें पानी भरा जाता है। तो पानी लगाने का टाइम आया, फिर ये कालू के पास बोली गई और बोली, कालू कालू चलो खेत पे चलते हैं और पानी लगाने का समय हो गया है। तो ये क्या बोला,
अरे बाद में लगा देंगे, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है। तो उसने बोला नहीं, समय से काम करना चाहिए। तो इसने बोला अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पे सोता हूँ। गिलहरी बोली ये तो यही कहता है, और ये लेट के सो गया। और बेचारी गिलहरी अकेले ही खेत पर चली गई, और सारे खेत में इसने बेचारी ने अकेले ही पानी लगाया, और शाम को थका हार कर फिर से घर पर आ गई। फिर दो तीन दिन बाद जब खेत में बीज बोने का टाइम हुआ, फिर ये कालू के पास गई। कालू से बोली चलो कालू, बीज बोने का समय हो गया है, वरना हमारा खेत पीछे हो जाएगा और हमारे दाने नहीं उग पाएंगे। तो ये क्या बोला, तुम्हें बहुत जल्दी लगी है, बाद में चलेंगे। तो गिलहरी बोली नहीं, अभी चलना होगा। तो ये बोला अच्छा ठीक है, और अपना गाना गाने लगा। कौन सा गाना गाया, तुम चलो मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पर सोता हूँ। गिलहरी बेचारी क्या करती, इसका तो रोज का ही गाना। फिर चली गई और जाकर खेत पर, ये क्या करा, पेड़ पे आराम से सो गया। और गिलहरी बेचारी खेत में सारे दाने बो दिए, खेत में सारे दाने बो दिए, और थक हार के फिर शाम को घर आ गई। और धीरे धीरे थोड़ा समय बीतता रहा और फसल बड़ी होने लगी। फसल बड़ी होने के बाद फसल तक पककर तैयार हो गई। क्या हो गया, पककर फसल तैयार हो गई। अब जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो क्या किया जाता है, फसल को काटा जाता है, और उसके दाने जो होते हैं वो भर के अपने घर ले आए जाते हैं। तो फसल जो पक के तैयार हुई, इसने फिर कालू से कहा चलो कालू, अब तो फसल पक के तैयार हो गई है, अब उसको काटने का समय हो गया है, चलो खेत पे चलते हैं और काटते हैं। तो ये क्या बोला, अभी नहीं, बाद में चलेंगे, तुमको बहुत जल्दी रहती है। तो गिलहरी बोली नहीं, समय से चलना चाहिए, आधी पानी का समय हो गया है, अगर हमने समय पे अपनी खेती को नहीं काटा तो हमारी फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये बोला अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर, यही इसने गाना गाया अपना। बेचारी गिलहरी क्या करती, वो अकेले चुपचाप खेत पर चली गई, और अपना खेत इसने काट लिया, अपना खेत काट लिया, और उसके दाने सारे बोरी में भर के अपने घर। कौवा का फसल नहीं काटी इसने, और अपना दाने भर के घर ले आई। और रात में भयंकर आंधी आई, तूफान आया, सारे पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, और रात में भयंकर बारिश होने लगी, और पानी बरसने से कौवे की सारी फसल बेकार हो गई। पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और गिलहरी की फसल बिल्कुल अच्छी सुरक्षित रही, और वो अपने दाने घर में ले आई। और ये बुद्धू जब अगले दिन खेत पे गया तो क्या देखा, सारी फसल बेकार हो गई, और वहीं पर सर पकड़ के बैठ कर रोने लगा। क्या करने लगा, रोने लगा। तो देखा बच्चों, जो बच्चे जो लोग समय पे अपना काम करते हैं, उनका काम क्या होता है, अच्छा रहता है, सारा काम सही से हो जाता है। और जो लोग अपने काम में आलस करते हैं और समय से काम नहीं करते हैं, वो कौवे की तरह क्या करते हैं, कौवे की तरह रोते हैं, है ना। उनका सारा काम क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो हमें अपना सारा काम कैसे करना चाहिए, समय से करना चाहिए, और कामों में आलस नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात, तो कैसी लगी स्टोरी, आंटी कौन था, बहनती कौन था, किसकी फसल बर्बाद हो गई, और किसके दाने सुरक्षित रहे, हम लोगों
कैसा बनना चाहिए? अच्छा। गिलहरी की तरह कि कौवे की तरह? गिलहरी की तरह। सब लोग गिलहरी की तरह बनेंगे मेहनती।